नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीफ्राई। सुशांत सिंह राजपूत को आज इस दुनिया से अलविदा कहे पूरा एक महीना हो गया है, लेकिन बॉलीवुड के इतने बड़े एक्टर को आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाना पड़ा या वे कौन सी वजह थी कि सुशांत ने जिंदगी की जगह मौत को चुना, इन सवालों पर पुलिस अब तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं रख पाई है। ऐसे में खबर आ रही है कि अब मुंबई पुलिस ने सुशांत के कुक नीरज से फिर से पूछताछ की है। आत्महत्या से 3 दिन पहले से आखिर तक सुशांत ने क्या किया, क्या खाया जैसी हर छोटी छोटी जानकारी तक पुलिस ने कुक से हासिल की है। सुशांत के कुक नीरज से तकरीबन 6 घंटे चली पूछताछ में पुलिस ने 14 जून को आत्महत्या से पहले के 3 दिन यानी 11 जून से 14 जून के बीच हुई हर छोटी बड़ी जानकारी मांगी। इस पूछताछ में सुशांत की बातचीत किससे हुई, खाने पीने से लेकर सभी चीजों की डिटेल्ड जानकारी ली गई है। वहीं इसके साथ ही जानकारी सामने आई है कि सुशांत सिंह की बहन मीतू को भी आज यानी मंगलवार को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस इनसे 14 जून से पहले के 3 महीनों में अपने भाई से हुई बातचीत, मुलाकात, उनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से संबंधों, झगड़े जैसी हर छोटी बड़ी चीज पर पूछताछ करने की तैयारी में है। सुशांत की बहन का बयान दूसरी बार दर्ज किया जाएगा। बता दें कि आज सुशांत की मौत को 1 महीना हो गया है, ऐसे में सुशांत के कई करीबी लोग उनके लिए अपना प्यार सोशल मीडिया पर जता रहे हैं। सुशांत के करीबी दोस्त और उनकी आखिरी फिल्म के निर्देशक मुकेश छाबड़ा ने सुशांत के साथ कई तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है, आज तुझे गए 1 महीना हो गया, अब तो तू फोन भी नहीं करेगा। वहीं सुशांत की जिंदगी में उनके साथ लंबे समय तक रही उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी भगवान के आगे जलते हुए दिए की तस्वीर साझा की है। आज ही के दिन सुशांत के जाने के बाद पहली बार उनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने सुशांत से जुड़ा एक इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इतना ही नहीं, सुशांत की मौत के बाद उनकी हर तस्वीर अपने सोशल मीडिया से हटाने वाली रिया ने सुशांत के साथ की अपनी 2 बेहद खूबसूरत और अनदेखी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहली बार शेयर की हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।